नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम गढ़वाली भाषा की जो हमारी ये सीरीज़ चली आ रही है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर है वो है टेंस का चैप्टर, या जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं उसका चैप्टर। काल की जो हिंदी में परिभाषा कही गई है वो कुछ इस प्रकार रहती है कि वो क्रिया शब्द जिनसे समय के तीनों भागों के होने का पता चलता होता है, उन्हें हम काल कहते होते हैं। काल के तीन प्रकार रहते होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल जिसमें क्रिया अभी चल रही होती है, भूतकाल जिसमें क्रिया हो चुकी होती है, और भविष्यकाल जिसमें क्रिया होगी। इस तरह से काल के तीन भेद होते हैं। गढ़वाली भाषा की जो इस श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसमें काल के लिए ये मेरा पहला भाग है। इसमें मैं आपको काल का जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है उसको बताऊंगा, और उसके ज़रिए आप ये सीखेंगे कि क्रिया को गढ़वाली भाषा में अगर आप सुने तो आप फौरन पहचान जाएं कि ये किस काल में हो रही है। इसके अगले भाग में हम इसे जितने भी काल के भेद हैं, जैसे पूर्ण काल या अपूर्ण काल या अनिश्चित काल, इन सबको हम बारी बारी करके देखेंगे। लेकिन इस पहले भाग में हम इसके पर थोड़ी सी पकड़ बनाएंगे। आपको हम एक ट्रिक बताने लगे हैं, एक ऐसी ट्रिक जिसके ज़रिए आप आराम से इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में ला सकेंगे। सबसे पहले तो हम वर्तमान काल पर ध्यान देंगे और देखते हैं कि वर्तमान काल के लिए ट्रिक क्या है। अगर कोई क्रिया शब्द द से अंत हो रहा हो या कोई द पे आकर ख़त्म हो रहा हो, तो आप फौरन जान जाइएगा कि वो वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। अगर कोई शब्द छ पे ख़त्म हो रहा हो गढ़वाली भाषा में, तो आप समझ जाइएगा कि वो भूतकाल की बात कही जा रही है। इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, हम उनका भी जिक्र बाद में करेंगे। आप फिलहाल यही मान के चलिएगा कि छ का मतलब या छ से जो अंत शब्द है वो भूतकाल में ही हो रहे हैं। और सबसे अंत में भविष्यकाल, जिसके लिए शब्द होता है ल, इस ल से पता लग जाता होता है कि वो शब्द या वो क्रिया शब्द अंत में भविष्यकाल की ओर इशारा कर रहा है, यानी कि वो बात भविष्य में होने वाली है या होगी। तो चलिए हम एक एक करके इन पर पहले नज़र डालते हैं। वर्तमान काल जो है उसमें आप पाएंगे कि ता, ती और ते, ये तीन तरह के चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये जो ता है ये परिवर्तित होकर दू या दो में हो जाता होता है। आप इन दोनों के भेद के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुवचन के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं, पर थोड़ी सी इसमें दुविधा भी रहती है क्योंकि व्याकरण का पूर्ण प्रभाव ना होने के वजह से गढ़वाली भाषा में इन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता होता है। आप अपनी समझ के हिसाब से ही इन दोनों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो अगर हम गढ़वाली में कहते हैं कि वह करता, तो इसे कहेंगे ऊ कर दो, ऊ कर दो। या अगर हम कहें कि मैं करता, तो हम कहेंगे मी कर दो। तो इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि वो करती, तो हम कहेंगे वू कर दी, वू कर दी। इसे कभी कभी अंग की मात्रा के साथ दी भी बोला जाता होता है, और इस तरह से दी अकेला भी बोल लिया जाता है। इसके बाद आखिरी हम देखते हैं ते, जहाँ पर ता और ती एक नर या मादा, नर या पुरुष, पुरुष या स्त्री जो है उसको सिग्निफाई कर रहा था। ये जो ते हैं वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम कहें कि वह करते, तो हम इस करेंगे ऊ करदा, ऊ करदा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो क्रिया शब्द हैं, हम अगर आपने अभी तक हमारी क्रिया के ऊपर बनाई की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी एक बार देखिएगा, और गढ़वाली भाषा की जो क्रिया शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं तीनों का वर्तमान काल में आपको बताया है। अभी मैं इसे कर के साथ बता रहा हूँ, तो हम जैसे हिंदी में करता कहते हैं तो गढ़वाली में उसे कहेंगे कर दू, और अगर हम करती कहते हैं तो उसे गढ़वाली में कहेंगे कर दी, अगर हम करते कहते हैं तो उसे गढ़वाली में कहेंगे करदा, करदा। तो आप इस तरह से ये तीन भेद पहचान सकते हैं।
भूतकाल के लिए भी हम इसी तरह से ही परिवर्तन करते होते हैं। अगर हम कहते हैं था तो गढ़वाली भाषा में इसे बोलते हैं छो, अगर हम थी बोलते हैं तो गढ़वाली भाषा में इसे कहते हैं छी, और अगर हम थे कहते हैं तो इसे गढ़वाली भाषा में छा कहते हैं। हम एक और चीज़ भी बताना चाहेंगे कि थी के लिए छह का भी एक इस्तेमाल करने के लिए होता है। छह जैसे हम जो गणित का शब्द गणित का जो होता है छह, उस तरह का उच्चारण यहाँ पर प्रयुक्त भी किया जाता होता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या समझ सकते हैं। हम तो इसे कहेंगे कि इसे छी का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। भविष्यकाल में जहाँ गा होता है वहाँ परिवर्तन होकर लू बनता होता है, गी के लिए ली बन जाता होता है और गे के लिए ला हो जाता है। इस हिसाब से अगर हम कहते हैं करेगा तो ये बनता होता है कर लू या कर लो, और अगर गी होता है करूंगी तो करूंगी बनता है कर ली। अगर हम गे कहते हैं तो कर, जैसे हम कहते हैं करेंगे तो उसे कहते हैं करला। तो इस प्रकार से ये काल के तीन भाग और उनमें जो ये तीन मूलभूत जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती होती हैं। इस छोटी सी ट्रिक से हम काल के इस पहले भाग को शुरू भी कर रहे हैं और इस पहले भाग को हम यहाँ पर ख़त्म भी करते हैं। और इसी तरह से आप ता था और गा, ये इस तरह के जो ये तीनों भेद हैं इन पर एक बार ध्यान दीजिएगा। इस काल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही आप क्रिया शब्द जो हैं वो आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे, और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये व्याकरण के तौर पर हमारा अंतिम भाग होगा और इसके बाद हम गढ़वाली के जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ हैं, उन पर काम करेंगे। यानी कि हम गढ़वाली भाषा को और किस तरह से अच्छा आपको बता पाएँ इस पर ध्यान देंगे। तो आप इस काल के ऊपर या इस जो स्पेशल हम ये भाग पहला भाग लेकर आए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।